फॉर 8th इंग्लिश मीडियम लर्न इंग्लिश विथ प्रथमेश सर. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रथमेश सर एंड यू आर ऑन आवर एजुकेशनल चैनल VGT ऑनलाइन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश, दैट इज अ टाइम टू बिलीव. तो स्टूडेंट्स, टाइम मतलब समय और बिलीव का मतलब होता है विश्वास. सो अ टाइम टू बिलीव इस कविता के टाइटल का मतलब है कि ऐसा समय जिस पे हम विश्वास करते हैं, म्हणजे विश्वास करण्यासारखी वेळ, असा अर्थ होणार. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे अभी क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे के सारे वीडियोस का अपडेट फास्ट मिले. सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न धीस पोएम बाय टेकिंग वन बाय वन स्टांजाज. आता आपण एक एक स्टांजा अभ्यास करूया. सो फर्स्ट स्टांजा इज टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग. मतलब हमें विश्वास करना है कि हर दिन की शुरुआत नई होती है, प्रत्येक दिवसाची सुरुवात नवीन असते. नेक्स्ट लाईन इज टू ट्रस्ट दॅट मिरॅकल्स हॅपन्स अँड ड्रीम्स रिअली डू कम ट्रू. मतलब मिरॅकल का मतलब है यहाँ पे चमत्कार और ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास या फिर भरोसा. तो इस लाइन का मतलब होता है कि हमें विश्वास करना है कि मिरॅकल्स यानी कि चमत्कार जो है वो होते हैं और ड्रीम्स भी है, ड्रीम्स यानी सपने, वो सच होते हैं. सेकंड स्टांजा है टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स. मतलब हमें विश्वास करना है कि एंजल्स जो है यानी परिया जो क्लाउड्स के भीतर, क्लाउड्स यानी बादल, वो क्लाउड्स के भीतर डांस करती है. नेक्स्ट लाइन टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काय एंड द विजडम ऑफ मैन इन द मून. मतलब हमें पता है कि स्टारडस्ट यानी स्टार का जो ग्रुप है उसमें एक मैजिकल क्वालिटी होती है एंड विजडम ऑफ मैन मतलब होता है इंसान का ज्ञान जो है, इंसान का नॉलेज, वो चांद पे भी काम कर जाता है. थर्ड स्टांजा है टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्टरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड साइजेस एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, फॉर इट इज दो देयर टीचिंग वी लर्न टू लव. मतलब हमें पता है कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है. छोटे बच्चों के आँखों की मासूमियत और जो एक्सपीरियंस हाथ होते हैं उनकी ब्यूटी जो है, ठीक है, तो उसको वो जो है ब्यूटी जो है हमें कुछ टीच करती है. क्या टीच करती है वो? तो हमें सीखने पे लव करने के लिए बोलती है. मतलब सीखना कितना ज़रूरी है वो बताती है. फोर्थ स्टांजा है टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन. मतलब हमें विश्वास करना है कि स्ट्रेंथ एंड करेज यानी ताकत और धैर्य हमारे अंदर ही होते हैं एंड जब समय आता है तब हम उसी स्ट्रेंथ एंड करेज को इकट्ठा करके नई शुरुआत कर सकते हैं. फिफ्थ स्टांजा बिलीव टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन. मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं. दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट. मतलब हमें जो लाइफ मिली है वो एक हमें गिफ्ट की तौर पे मिला है और उस लाइफ को चीयर करने का ये समय है. लास्ट स्टांजा टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेज आर जस्ट वेटिंग फॉर हैपन. मतलब हमें विश्वास करना है कि वंडरफुल सरप्राइजेज जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं एंड ऑल अवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ वी बिलीव, इफ ओनली वी बिलीव.
मतलब हमारे आशाएं और सपने जो है वो पॉसिबल होंगे कब, जब हम विश्वास करेंगे, इफ ओनली वी बिलीव। तर स्टूडेंट्स, या कवितेतून कवी जे बी जे मॉर्ट मॉर्टी मॉर्बिटाय मॉर्बिट्झर यांनी आपल्याला कशावर विश्वास करायला पाहिजे ते समजावून सांगितले आहे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो आवडली असेल तर जरूर लाईक करा, आणि चॅनल अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली जे रेड कलरचं सबस्क्राइब बटन आहे ते जरूर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं अपडेट फास्ट मिळेल। थँक्यू।